Well, before that, today is 1st January 2020. और नए साल के इस शुभ अवसर पर आप सबको, आपके सबके परिवारों को और पूरे भारतवासियों को मेरे तरफ से और पूरे भारतीय सेना के तरफ से शुभकामनाएं। आप सबने इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ आने का कष्ट किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आज सेना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद संभालने पर मुझे बड़ा गर्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो उसका भी मुझे एहसास है। और मैं वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता दे। आज एक नए साल की ही नहीं बल्कि एक नई दशक की भी शुरुआत है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नए दशक में हमारा देश बड़ी उन्नति और तरक्की करेगा। लेकिन ये तरक्की तभी हो पाएगी जब हमारी सरहद सुरक्षित होंगे। जब हमारी सरहदें सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे, तभी हम अपना कामकाज कर पाएंगे और तभी देश में प्रगति होगी। मैं अपने देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि तीनों सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार हैं और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और इसके दामन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। थल सेना के जवान सरहद पर तैनात, तैयार और चौकन्ना है 24/7/52। आने वाले समय भी, भविष्य में भी हम आने वाले चुनौतियों का तैयारी करते रहेंगे। हमारी थल सेना युद्ध अनुभवी है और भविष्य में भी किसी भी खतरे को टालने के लिए सक्षम है। एक बार फिर आप सबको और पूरे थल सेना के अफसर, जेसीओज, एनसीओज और बहादुर जवानों को मेरे तरफ से नए साल के शुभकामनाएं।